हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 3-2-1 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेक्चर 11 कुजनिंग मटेरियल फॉर पैकेजिंग। कुजनिंग मटेरियल क्या होता है? एक गद्देदार मटेरियल या सामग्री जो अपने एक पैकेज के अंदर डालते हैं। जब अपने पैकेजिंग करते हैं, आपने फलों की पैकेजिंग देखी होगी, जो वुडन बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर, उसमें देखना घास फूस डली हुई रहेगी, या फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े डले हुए रहेंगे, या फिर उसके अंदर आपको कई बार जो करूगेट सॉरी ये थर्मोकोल होती है वो डली हुई मिलेगी, या फिर जो मोल्डेड पेपर की ट्रेज होती हैं वो डली हुई मिलेंगी। मतलब वो सारी की सारी कुजनिंग मटेरियल होती हैं, जो आपका उत्पाद है उसको घर्षण से बचाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वाइब्रेशन होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, जब बहुत से और भी जैसे शॉक्स लगते हैं, झटके लगते हैं, तो उनसे बचाने के लिए उसमें कुजनिंग मटेरियल डाला जाता है। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। कुजनिंग मटेरियल फॉर पैकेजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कुजनिंग जो मटेरियल है फल और सब्जियों के लिए, कुजनिंग मटेरियल, द फंक्शन ऑफ द कुजनिंग मटेरियल इज टू स्टेबलाइज द ऑब्जेक्ट इनसाइड द पैकेज एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम मिक्सिंग इन टू ईच अदर इन द पैकेज वैन वाइब्रेशन और इम्पैक्ट अकर्स। जो फंक्शन है, जो काम है कुजनिंग मटीरियल का, वो होता है जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी उसके अंदर आपने सामग्री भरी है, यानी कि अपना उत्पाद है, जैसे फल हैं, सब्जियाँ हैं, उसको स्थिर करना, उसको स्टेबलाइज करना, एक जगह पर रोक के रखना, ठीक है। और जब अपने उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या हैंडलिंग करते हैं, एक जगह पर दूसरी जगह पर रखते हैं, तब उसमें जो वाइब्रेशन होती है, जब उसका कोई प्रभाव पड़ता है जिसके कारण फल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, उससे सुरक्षा करता है, उससे प्रिवेंट करता है, उसकी रक्षा करता है, ठीक है। अगर एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे फल और सब्जियां, तो उनमें क्या होगा, घर्षण होगा एक दूसरे के साथ, और उनकी जो सतह होगी वो डैमेज हो जाएगी, ऊपर वाली जो सरफेस रहती है फल की या सब्जी की, वो डैमेज हो जाएगी। सम कुजनिंग मटेरियल कैन ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ टू द पैकेज। कुछ जो कुजनिंग मटेरियल होता है वो पैकेट को अलग से ताकत भी प्रदान करता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलो, आपने कई बार जो आपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मंगवाए होंगे, जैसे फ्रिज आता है, टीवी आता है, उसके साथ में आपने थर्मोकोल देखी होगी डली हुई अंदर की साइड। एक तो वो कुजनिंग मटेरियल की तरह यूज होती है, मतलब उसमें कुजनिंग मटेरियल का गुण भी होता है, गद्देदार होती है। दूसरा, वो जो अंदर बाहर वाला कार्टून कह लो, या फिर जो गत्ते का करुगेटेड फाइबर बोर्ड का जो बॉक्स रहता है ऊपर वाला, उसको एक स्ट्रेंथ, मजबूती भी देता है अंदर की साइड लग के, कि वो पिचके ना, ठीक। द कुजनिंग मटेरियल यूज्ड वेरीज विद द प्रोडक्ट। जो कुजनिंग मटेरियल होता है वो उत्पाद के अनुसार अलग अलग होता है, जैसा उत्पाद उसके हिसाब से उसका कुजनिंग मटेरियल यूज होता है। द कुजनिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मोस्टली ड्राई ग्रासेस, पैडी हस्क, लीव्स, सॉडस्ट, पीसेज ऑफ पेपर एक्सेट्रा, विच आर इजीली अवेलेबल लोकली एंड आर लेस एक्सपेंसिव। जो कुजनिंग मटेरियल होता है पैकेजिंग फल और सब्जियों के लिए, वो ज़्यादातर या तो सूखी हुई घास होती है, या फिर जो धान का भूसा होता है वो, या पत्तियाँ, या फिर जो सॉडस्ट होती है, आरी का बुरादा रहता है, या कागज़ के टुकड़े, वो ज़्यादातर फल और सब्जियों की पैकेजिंग के अंदर कुजनिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। विच आर इजीली अवेलेबल लोकली, जो कि आसानी से उस वातावरण के अंदर आसानी से मिल जाता है, मतलब उस जगह पे आसानी से मिल जाता है, और कम खर्चीला होता है, लागत ज़्यादा नहीं आती। घास पे क्या लागत लगेगी, हस्क पे कितनी लगेगी, वो आसानी से मिल जाता है और कम खर्चीला होता है, कम लागत का होता है। दीज आर अनहाइजीनिक एंड डू नॉट अलाउ ब्रीथेबल हीट टू एस्केप फ्रॉम द पैकेजिंग बॉक्स। और जो ये मटेरियल होता है, घास है, कागज़ हैं, ये अनहाइजीनिक होता है। अनहाइजीनिक मतलब ये कॉन्टामिनेशन फैला सकता है, एक तरीके का साफ सुथरा नहीं होता। और इसके अलावा एक और भी इसकी प्रॉब्लम रहती है कि ये जो ब्रेथ या सांस लेता है या फल और सब्जी, उसके थ्रू जो उसमें गैसें निकलती हैं या हीट निकलती है, उसको बाहर नहीं निकलने देता, एस्केप नहीं होने देता, उसको बाहर निकलने से रोकता है। जो गर्मी पैदा होगी श्वसन के दौरान,
जब अपने सांस लेते हैं, अपने भी गर्म सांस से निकलती हैं, बाहर की साइड निकलती हैं, वैसे ही फल और सब्जियां भी गर्मी बाहर छोड़ते हैं तो उस गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, जिससे फल और सब्जियां ख़राब हो सकती हैं। फॉर ए कुजनिंग मटेरियल टू बी यूजफुल इन एडिशन टू हैविंग फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी इट मस्ट आल्सो हैव द एबिलिटी टू डिसिपिएट द हीट ऑफ रेस्पायरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर कुजनिंग मटेरियल के लिए इसलिए यूजफुल हो सकता है कि अगर इसको ऐसा हो उसकी जो फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी हो, एक तो मतलब वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो आपका कुजनिंग मटेरियल, इसके साथ में उसकी जो एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी रेस्पायरेशन की जो भी गैसें हैं, श्वसन से जो भी श्वसन से जो भी हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, उसको वो ख़त्म कर सके। मतलब जो आपका कुजनिंग मटेरियल वो ऐसा होना चाहिए, एक तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दूसरा जो भी हीट निकले उसको ख़त्म कर दे, उस फलों के पास में ना रहे। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इसके अलावा वो इन्फेक्शन से भी फ्री हो, किसी भी प्रकार का उसमें कॉन्टामिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जहाँ वो फैलाने वाला नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट दैट कुजनिंग मटेरियल शुड बी फिजिकली इनर्ट, यह भी महत्वपूर्ण है कि जो कुजनिंग मटेरियल है वो फिजिकली इनर्ट होना चाहिए। फिजिकली इनर्ट मतलब भौतिक रूप से अक्रिय हो, मतलब जो भी उत्पाद है आपका उसके साथ वो क्रिया ना करे कोई भी। यानी कि कई बार क्या होता है कि आपका जो कुजनिंग मटेरियल है, मान लो कि आपने घास डाली, उसमें से गंदी स्मेल आ रही थी और वो कुजनिंग मटेरियल के अंदर जो भी फल सब्जियां रखी उसमें भी वो स्मेल, गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो गई, मतलब वो क्रिया की उसने, वो चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। मोर रिसेंटली फाइबर बोर्ड, सिंगल और डबल वाल मोल्डेड पेपर पल्प ट्रेज, मोल्डेड फोम पॉलिस्ट्रीन ट्रेज, मोल्डेड प्लास्टिक ट्रेज, फोम प्लास्टिक शीट्स, प्लास्टिक बबल पैड्स, फाइनली चॉप्ड गुड्स, प्लास्टिक फिल्म इनर्स और बैग्स एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड इन एक्सपेंसिव आइटम्स एंड एक्सपोर्ट मटेरियल फॉर रिप्लेसिंग कुजनिंग मटेरियल। जो अभी है उसमें जो कुजनिंग मटेरियल को रिप्लेस करने के लिए, मतलब कुजनिंग मटेरियल की जगह है, जहाँ तो फाइबर बोर्ड्स वो यूज़ करते हैं सिंगल और डबल लेयर का, जैसे करूगेटेड फाइबर बोर्ड रहता है वो चीज़, या फिर जो पेपर की पिघले या गले हुए पेपर की जो ट्रे बनी रहती है, जैसे अंडे की क्रेट रहती है, सेम वही चीज़, ठीक है, वैसे फलों के लिए भी आती है, सेब आपने कई बार पैक किए हुए देखे होंगे। इसके अलावा जो पॉलिस्ट्रीन की ट्रे रहती हैं, प्लास्टिक की ट्रे, या फिर प्लास्टिक की शीट्स आती हैं, या फिर बबल पैक होते हैं, जैसे आपने कई बार अमेजन से कोई सामान मंगाया हो उसमें एक ऊपर एक राउंड राउंड बबल्स वाली चीज़, एक प्लास्टिक की शीट सी लपेटी हुई रहती है उस मटेरियल के चारों तरफ, वो बबल पैड कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा फाइनली चॉप्ड वुड्स, लकड़ी की जो बारीक लकड़ी कटी हुई रहती है, कई बार फलों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे पतले पतले छिलके से, जैसे छीली हुई लकड़ी हो वैसा, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक की फिल्म्स को भी इनर रूप में यूज़ किया जाता है, अंदर एक शीट के रूप में, बैग्स भी यूज़ किए जाते हैं बहुत से, जो भी एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं, महंगी आइटम होती है उनके लिए, या फिर जो एक्सपोर्ट किया जाता है मटेरियल उसके अंदर ज़्यादातर ऐसी चीज़ आजकल यूज की जाती है कुजनिंग मटेरियल के रूप में, या कुजनिंग मटेरियल की जगह उसको रिप्लेस करके। कुछ इस प्रकार के कुजनिंग मटेरियल यूज होते हैं, जैसे पहले वाले में थर्मोकोल है, फिर जो प्लास्टिक की क्रेट्स होती हैं उनके अंदर आपको गेहूँ का सूखी हुई घास मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मोल्डेड पेपर ट्रेज हैं, फिर उसके बाद बबल पैड्स, प्लास्टिक के बबल पैड्स आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। इसके अलावा फिर लकड़ी का जो छिलका रहता है, लकड़ी के पीस, चॉप्ड लकड़ी रहती है, वो है कागज़ है, ठीक है। फिर पर्पज़ यूजिंग कुजनिंग मटेरियल, पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या होता है कुजनिंग मटेरियल यूज़ करने का, कुजनिंग मटेरियल समझे गए थे, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है। चलो मेन उद्देश्य है तो एक तो प्रोटेक्ट करना, जो भी आपका मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करना, दूसरा जो आपके नाजुक आइटम है उनको बचाना। चलो पहले वाले पे बात करते हैं, टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट दैट आर सेंसिटिव टू मैकेनिकल स्ट्रेस एंड टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू इम्पैक्ट, शॉक एंड और वाइब्रेशन। जो भी आपका प्रोडक्ट है, यानी कि वो सेंसिटिव प्रोडक्ट है, उसको मैकेनिकल यांत्रिक तनाव से बचाना,
प्रोटेक्ट करना। यांत्रिक तनाव, जैसे क्या होता है कि आप किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हो, ट्रांसपोर्ट के दौरान उसमें शॉक्स लगते हैं, वाइब्रेशन होती है उसके अंदर, ट्रक के अंदर, ठीक है, तो उससे जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, ठीक है, उससे प्रोडक्ट की सुरक्षा करना, उससे उसको बचाना, ठीक है। उसके अलावा टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू इम्पैक्ट शॉक एंड वाइब्रेशन, इसके अलावा जो आपका प्रोडक्ट है उसको डैमेज होने से बचाना, जो भी इम्पैक्ट प्रभाव के कारण या फिर शॉक लगते हैं, झटके लगते हैं उसके कारण, या फिर जो वाइब्रेशन कंपन होती है उससे बचाना। द फ्रजाइल आइटम्स ऑफ द कंटेनर सच एज सेरेमिक, ग्लास, पोर्सेलिन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस बाय द कुजनिंग मटेरियल। जो नाजुक कंटेनर्स नाजुक जो सामग्री होती है कंटेनर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, जैसे सेरेमिक या फिर कांच की या फिर चीनी मिट्टी के जो उत्पाद रहते हैं, उनको यांत्रिक तनाव से कुजनिंग मटेरियल बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है उनकी, जैसे नाजुक जैसे कांच की चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ चीनी मिट्टी की बनी हुई हैं, उनकी सुरक्षा करता है। टू अकोमोडेट पैकेजेस टू स्टैंडर्ड साइज एज दे एक्ट एज अडेप्टर बिटवीन नॉन स्टैंडर्ड पैकेजिंग मटेरियल एंड पैकेजिंग। जो पैकेजिंग मटेरियल, एक कह लो कि एक मानक पैकेजिंग मटेरियल, मतलब एक जिसका एक निर्धारित कह लो कि लंबाई चौड़ाई सब कुछ होता है, क्योंकि जो भी बॉक्स रहते हैं उनका एक निर्धारित लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, ठीक है। अब उसको अंदर अपने जो सामान रखेंगे उसकी कोई निर्धारित नहीं होती, वो कैसा भी हो सकता है। अब अपने मान लें कि फल और सब्जियों को उसके अंदर पैक करना है एक निर्धारित बॉक्स के अंदर जिसका मानक साइज है, उसके अंदर अपने अगर छोटे छोटे फल डाल रहे हैं तो वो पूरी तरह से फिल नहीं होगा, उसमें कुछ गैप भी रह जाएगा जिसके कारण उनमें फलों में इधर उधर भागेंगे वो। तो जो ये कुजनिंग मटेरियल होता है वो एक अडेप्टर की तरह काम करता है, मतलब उसके अंदर मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो भी खाली स्पेस बच जाता है और फल और सब्जियां जिसके कारण स्टेबिलाइज रहे, ऐसा काम करता है वो, एक अडेप्टर की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब एक तो मानक साइज हो गया आपका बॉक्स का, तो पर फल और सब्जियों का मानक साइज नहीं होता, पर उनका अंदर जो सामान मटेरियल डाला उसका मानक साइज बनाने के लिए एक अडेप्टर की तरह काम करता है, जिसके कारण वो जो भी उत्पाद होगा वो बिल्कुल मानक साइज में आ जाएगा, जो भी उसका स्टैंडर्ड साइज होगा आपका बॉक्स का उस स्टैंडर्ड साइज में आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण आपका फल और सब्जियां स्थिर हो जाएंगी, इधर उधर नहीं भागेंगी, ये चीज, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन, क्रिया का जो इसका तरीका होता है एक्शन का, ठीक है, काम करने का जो भी इसका तरीका है वो कैसे काम करता है कुजनिंग मटेरियल। दे ऑब्जर्व ए पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द पैकेज इज इम्पैक्टेड और ड्रॉप्ड एंड इंक्रीज द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द पैकेजिंग कंटेनर्स। जब अपने पैकेजिंग मटेरियल को कोई प्रभाव डाला जाता है या उसके ऊपर उसको गिराया जाता है, उससे जो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, मतलब कोई उत्पाद एक जगह से दूसरी जगह पे सरकता है उसको गतिज ऊर्जा, ठीक है, उसके जो भी ऊर्जा निकलेगी तो उसे के एक हिस्से को वो अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने तक की जो उसमें गति आई थी, स्पीड बनी थी, उस स्पीड को वो स्लो कर देता है, कहने का मतलब उसको कम कर देता है, अब्सॉर्ब कर लेता है उसके हिस्से को। और इसके अलावा वो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है एक उत्पाद का दूसरे तक पहुंचने के बीच में, उसके उत्पाद डिस्टेंस को वो बढ़ा देता है, मतलब उत्पाद दूर ही रुक जाता है, उसके पास में उत्पाद के नहीं पहुंचता। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ कुजनिंग मटेरियल। प्रॉपर्टीज क्या होती है कुजनिंग मटेरियल की, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। पहला है रिकवरी होनी चाहिए अच्छी। इफ द रिकवरी इज टू शॉर्ट, अगर रिकवरी कम होती है पैकेजिंग मटेरियल की, जो कुजनिंग मटेरियल उसकी रिकवरी कम होती है। रिकवरी से मतलब आपने किसी चीज़ को दबाया, प्रेस किया, फिर वो वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। अगर ये वापस ना आए तो आपके प्रोडक्ट को डैमेज ज़्यादा होगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, और रिकवरी उसकी अच्छी हो।
इफ द रिकवरी इज टू शॉर्ट, अगर रिकवरी कम होती है, द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इंक्रीज, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है. वेन द स्ट्रेस इज कंटिन्यूसली एक्सपोज, जब उत्पाद को कंटिन्यूसली तनाव के अंदर रखा जाता है, ठीक है, जब तनाव के अंदर कंटिन्यूसली रहता है तब उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है. एज ए रिजल्ट ऑफ विच द काइनेटिक एनर्जी में नो लॉन्गर बी सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व, जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो सफिशेंटली या पर्याप्त रूप से ऑब्जर्व नहीं हो पाती. मतलब वो जो मटेरियल है वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाता अगर उसकी रिकवरी कम होती है तो, ठीक है. एंड द पैकेजिंग मटेरियल में भी डैमेज, जो पैकेजिंग मटेरियल है इसके कारण वो डैमेज भी हो सकता है, वो उसका नष्ट हो सकता है, एक तरीके से कह लो जो भी आप उसके अंदर उत्पाद रखा है, फल सब्जियां रखी हैं, वो डैमेज हो जाएंगी. सेकंड है इनसेंसिटिव टू क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, जलवायु या परिस्थितियाँ होती हैं, उससे इनसेंसिटिव हो, संवेदनशील ज़्यादा ना हो, मतलब उनसे प्रभावित होने वाला नहीं होना चाहिए. हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉज सिग्निफिकेंटली चेंज इन ह्यूमिडिटी, अगर ज़्यादा अपेक्षित आर्द्रता रहती है तो जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, वो बढ़ जाना, या फिर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन और टेम्परेचर, जो सीधी सूर्य की किरणें होती हैं, या फिर जो तापमान है, ठीक है, ऐसे जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं इनसे इनसेंसिटिव होना चाहिए. सच एक्सपोजर शुड नॉट डैमेज द कुजनिंग मटेरियल, जो ऐसे एक्सपोजर हैं जैसे नमी हो जाना एकदम से, ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण नमी बढ़ जाना, सीधे डायरेक्ट रेडिएशन के संपर्क में आ जाने से, या अधिक तापमान के कारण, ऐसे एक्सपोजर से कुजनिंग मटेरियल नष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसे. दे शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक एंड शुड नॉट प्रमोट कॉजन, जो पैकेजिंग कुजनिंग मटेरियल है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, नमी को अवशोषित करने वाला नहीं होना चाहिए. मतलब आपने नमी के थोड़ा सा भी, अगर बाहर नमी ज़्यादा है तो इसके अंदर और भी ज़्यादा वो नमी को खींचे, ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपका उत्पाद गल जाएगा. और इसके अलावा वो जो क्षरण है उसको प्रमोट ना करता हो, उत्पाद पड़ा हुआ है उसको क्षरण को प्रमोट ना करें, उसको गलने ना दें, उस चीज़ को प्रमोट ना करें. द यूज़ ऑफ कुजनिंग मटेरियल शुड बी इफेक्टिव, जो कुजनिंग मटेरियल का उपयोग होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसका यूज आप सिंपली कर सको, इको फ्रेंडली होना चाहिए, वातावरण के अनुसार होना चाहिए, एंड कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, लागत प्रभावी कह लो, जहाँ लागत कम से कम लगे आपका, ऐसा होना चाहिए. थैंक यू.